इस साल की रामलीला में भव्यता और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम से जुड़े सभी संबंधित लोगों का स्वागत श्री राम की मूर्ति देकर किया गया, जो इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ाता है। कार्यक्रम में बिंदुधारा सिंह ने हनुमान जी के प्रभावशाली किरदार देखा गया। इसके बाद राम जी के जयकारों से दर्शकों में उत्साह भर गया और पूरे माहौल में धार्मिक श्रद्धा की लहर दौड़ गई। इस रामलीला के आयोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से अवगत कराना था। इस कार्यक्रम ने न केवल मनोरंजन प्रदान किया, बल्कि समाज में सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दर्शकों ने भी इस आयोजन की सराहना की और आने वाले वर्षों में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा जताई। इस प्रकार रामलीला का यह आयोजन न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक था, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को संजीवनी देने का भी एक प्रयास था। मैडम, रामलीला का एक्सपीरियंस जो है ना, वो शाब्दिक नहीं हो सकता। ये तो आदमी, हर जीव की आत्मा की परिभाषा है। रामो विग्रहवान धर्मो, इस देश का धर्म जो है वो राम जी से है, और जहाँ राम जी की लीला हो रही हो वहाँ आत्मा का नृत्य है, ये राम विहार है। तो इससे अभूतपूर्व और अविरल इस धरती पर तो कुछ हो नहीं सकता। और मैं आपको, धार्मिक जो महासंघ है यहाँ जिनके माध्यम से हो रहा है, हमारी नई पीढ़ी को, आप अगर रामायण में और रामलीला में अगर आते हैं तो हर प्रकार का उत्थान आपका होता है। और ये जो लोग कर रहे हैं, जो अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारी धरोहर है, हमारी आत्मा है ये। तो इसका प्रचार प्रसार और इसका संरक्षण संवर्धन, ये हमारा कर्तव्य है।